सो गाइज, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रितेश से। ये वेस्ट बंगाल से हैं। तो सबसे पहले तो रितेश, तू अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे दो यार। थैंक यू सर। माय नेम इज रितेश रक्षित। आई हेल फ्रॉम बेंगुड़ा वेस्ट बंगाल। आई कंप्लीट माय 10th एंड 12th फ्रॉम वेस्ट बंगाल बोर्ड। एंड इन 10th माय ओवरऑल परसेंटेज इज 80 एंड 12th माय ओवरऑल परसेंटेज इज 92। माय फैमिली बैकग्राउंड इज माय फादर नेम इज लेट शांति रक्षित एंड माय मदर नेम इज बर्नाली रक्षित। सी इज अ टीचर एंड आई हैव अ यंगर ब्रदर। तो मर्चेंट नेवी करने का तुम्हारे दिमाग में आया कैसे, क्यों आया कि मर्चेंट नेवी करना है? सर एक्चुअली आफ्टर 12th में जब मैं देखा कि कोई फील्ड मतलब अब एज ए प्रोफेशन ज्वाइन करना है, तो मैं ऐसे यूट्यूब वगैरह से देखा, तब एक दो घर का वीडियो देख रहा था, ऐसे वो बता रहे थे। पहले मैं सर जीपी रेटिंग करने का सोचा था क्योंकि वो 6 मंथ कोर्स करने के बाद ही जॉब मिल जाता है। फिर एक कोचिंग सेंटर में कौन सा नाम नहीं पता, बस कॉल किया था तो उन्होंने बोला आपका पीसीएम परसेंटेज अच्छा है तो आप डीएनएस के लिए ज्वाइन कर सकते हो, डीएनएस या बीएससी। देन मैं रिसर्च वगैरह किया, देन मैं आपका कोचिंग सेंटर में ज्वाइन किया। पहले से शुरू में थोड़ा डाउट में था क्योंकि इस फील्ड में हमारा मतलब बैकग्राउंड में कोई नहीं है, तो ऐसे ज्वाइन किया था। फिर मतलब थोड़ा पहले डर भी लग रहा था कि फ्रॉड भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है। फिर थोड़ा अच्छे से रिसर्च वगैरह किया तो आखिरकार अच्छा ही पता चला। नहीं, क्योंकि शुरू में मुझे याद है जब तुम आए थे तो यहाँ पे तुमने काफी सारी प्रॉब्लम फेस की थी कि खाने पीने का चीज नहीं था, बंगाल का मौसम और यहाँ का वेदर बिल्कुल अलग अलग है। तो वो प्रॉब्लम भी जरा बच्चों को बताओ इलैबोरेट करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन प्रॉब्लम्स की वजह से ही फील्ड छोड़ देते हैं। ओके सर, पहले जब मैं आया था तब मेरे आते यहाँ पे फर्स्ट दिन ही मेरा फीवर हो गया था, उसकी वजह से मतलब ऐसे थोड़ा मतलब फीवर में ऐसे आदमी अच्छा नहीं लगता, ऊपर से ऐसे अलग से एनवायरमेंट में आ गया था। तो पहले मेरे को बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ा क्योंकि इधर का खाना पीना भी थोड़ा अलग है, तो ऐसे मतलब हो रहा था। फिर जब मैं यहाँ पे आया, कुछ बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि कोचिंग सेंटर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन तब मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था कि पैसा लगा दिया, अब इतना पैसा लगा दिया, अब कोचिंग सेंटर अच्छा नहीं बच्चे, तो मैं फिर क्या करूँ, मैं मतलब थोड़ा और देखते गया कि खुद से एक बार ट्राई किया क्या होता है कि नहीं होता कोचिंग सेंटर के सर लोगों के साथ ही। फिर ऐसे करते करते गए, इम्प्रूवमेंट होते गया मतलब ऐसे ही। ओके, तो देखो यार, शुरू में ये सब चीज़ें होती हैं हर जगह पर कि आप कहीं जाओगे, ज्वाइन करने जाओगे, तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खुद परफॉर्म नहीं कर पाए होते हैं और अपनी परफॉर्मेंस का जो ब्लेम गेम होता है वो कोचिंग पे डालते हैं। ये सारी चीज़ें हर जगह पर ही होती है। यस, एक्चुअली मैं जब इंटरव्यू देने गया था तब आपका बस सही है, मतलब मैं और भी कोचिंग सेंटर के बारे में पूछ रहे थे कैसा कैसा है, तो वो लोग भी सेम ही बात बता रहे थे। मतलब तब मैं समझ गया ये बात हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी। तो मतलब वो एक कोचिंग की बात नहीं, ये बात हाँ, ये देवांग से भी मेरा जब डिस्कशन हो रहा था तो देवांग वाज आल्सो टेलिंग के सर वो उस कोचिंग के बारे में मैंने पूछा तो बच्चे बोल रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे वैसा होता है। मतलब जनरली क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो प्रॉपरली ब्लेम गेम खेल, कुछ नहीं काफी बच्चे होते हैं जो प्रॉपरली ब्लेम गेम खेलते हैं कि अगर हमसे खुद नहीं हो पाया तो हम दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल दें। बट अगर आप प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि देखो अगर आप मर्चेंट नेवी में जा रहे हो तो ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको अपनी पसंद का खाना नहीं मिलेगा, अपनी पसंद का वेदर नहीं मिलेगा, फैमिली मेंबर्स नहीं मिलेंगे। शुरू में एक महीने इसको काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन बाद में जब दोस्त बन गए तो काफ़ी आसान हो गया था दोस्तों के साथ में। अच्छा, जब तुम पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि जो तुम्हारा 92% 12th का था ये तो तुम्हें मिला था गिफ्ट में। हाँ सर, गिफ्ट में ही बोल सकते हो क्योंकि उतना अच्छे से एग्जाम नहीं हुआ था, तो मेरा 12th का मतलब बेसिक्स वगैरह थोड़ा ऐसे मतलब लूज था। हाँ, तो जो तुमने एक साल प्रिपरेशन करी उसमें तुमने क्या क्या अप्स एंड डाउन फेस किए? सर पहली बात तो मतलब उतना 12th के पहले उतना मेच्योरिटी नहीं था। जब मैं इस पीजी में आया, मतलब बाहर घर के बाहर आया, तब पता नहीं अचानक से कहाँ इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। मैं पहले बात तो मैं जब स्टार्टिंग किया था तब मैंने पढ़ने लगा बहुत ज़्यादा पढ़ता था। फिर बीच में मैं ऐसा करते थे कि 4 आवर्स का ही स्लीप लेता था सिर्फ रात में, फिर बाकी हर टाइम मतलब पढ़ते रहता कोचिंग वगैरह दिन अपना स्टडी, तो ऐसे बीच में सीन हो गया था। फिर मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है तो इंग्लिश के ऊपर वर्क किया, तो स्पोकन इंग्लिश मतलब इस थोड़ा सही है, लेकिन जो थियोरेटिकल इंग्लिश होता है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। इसमें IMCET रैंक भी थोड़ा डिसेंट सा आया, लेकिन क्या कंपनी। तो बात एक्चुअल में ये थी कि जैसे यूपी से काफ़ी बच्चे आते हैं, बिहार से आते हैं या बंगाल से आते हैं, उनका इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश का काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो स्पोकन इंग्लिश पे तो हम काम कर ही लेते हैं, लेकिन मेनली प्रॉब्लम आती है जब आपको प्रॉपर ग्रामर में बात करनी होती है, उसमें बात करनी होती है, तो वो अप्स एंड डाउन्स। क्योंकि ये शुरू में ऐसा हुआ है कि इसने बहुत डांट खाई है, इसको तो मैं बहुत ही ज़्यादा डांटता था। अच्छा, कहूट जो होते थे उससे तुम्हें क्या फायदा हुआ? कहूट सर बहुत हेल्प किया, मतलब आपको फ्यूचर में भी कहूट करवाना चाहिए, मतलब उससे बहुत ही ज्यादा हेल्प हुआ। IMCET क्वेश्चंस में मिले थे एक दो, जो मेरे को पूरा मतलब दिमाग में से पिन हो गया था कि ये क्वेश्चंस मतलब क्लास में हुए थे, वही क्वेश्चन देख के याद आ गया ये तो कहूट में हो।
जो वोकैबुलरी वाले कहूट्स हम लोगों ने किए था। यस सर, वोकैबुलरी अच्छा हेल्प किया। अच्छा, कोई ऐसा मोमेंट जरूर होगा पूरे एक साल में जब तूने बहुत ज्यादा डिप्रेशन फील किया होगा। सर वो एक्चुअली हुआ था, मेरे जब फर्स्ट जब एंग्लो ईस्टर्न का एग्जाम दिया था वो साइकोमेट्रिक में मेरा कैंसिल हो गया था। तभी मैं मतलब ऐसा हो गया, मैं फर्स्ट रिजेक्शन मिला ऑब्वियसली इस फील्ड में, तो अब मैं थोड़ा ऐसे इमोशनली हो गया था। तो एंग्लो ईस्टर्न का जब इस समय एग्जाम दिया था तो हम लोगों ने जितने भी क्लास में पेपर्स किए थे और जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर थे, तो अराउंड काफी अच्छा पेपर का जो वो था पैटर्न था 70-80% तो तुम्हें मिल ही गया था। यस सर, एग्जाम तो मैं क्लियर कर दिया था, मेरा साइकोमेट्रिक में कैंसिल हो, तो उस टाइम पे काफी ज्यादा और उसकी वजह से तुमने सिनर्जी भी ड्रॉप मारा था। कॉन्फिडेंस नहीं मिला था उस टाइम। तो देखो ये कई बार होता है यार, ये चीजें सीखने वाली है, ये बहुत बार होता है कि जब हम लोग एग्जाम लिख रहे होते हैं ना, इन बिटवीन होते हैं, बच्चों से ही आपस में बात कर रहे होते हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जब भी डिप्रेशन वाली स्टेट में हो तो हमेशा टीचर्स से डिस्कस करना चाहिए। बच्चे आपस में डिस्कस करके ये कर लेते हैं, आपने देखा होगा 2-3 बच्चों ने सिनर्जी ड्रॉप ही मार दिया, दिया ही नहीं। तो अच्छा फाइनली ये बताओ कौन सी कंपनी में सिलेक्शन हुआ और तुम्हें क्यों लगता है कि ये मतलब काफी सही चीज हुई तुम्हारे साथ में? सर जब मैं पहले आया था, क्योंकि मेरा एज 18 से मतलब तब जब आया था 17 प्लस था, तो मैं ऐसे कंपनी वाले रिसर्च किया तो MSC करके एक कंपनी था, तो वो मतलब ऐसे हमारे कोचिंग में से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट नहीं हो, मतलब एलिजिबल नहीं थे उसके लिए, क्योंकि सबका एज 18 प्लस था। तो उसके लिए मैं उस कंपनी में ज्यादा फोकस था, और वो कंपनी ऐसे कंटेनर कंपनी है तो लॉन्ग टाइम मैं सेल कर सकता हूँ, और वो कंपनी मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट है ऑब्वियसली, तो मेरा ज्यादा अट्रैक्शन उसी में था। मैं हर एक चीज उसका नोट किया था, मतलब चेयरमैन वगैरह आपको कौन से साल ज्वाइन किए क्रूज, तो उसके बारे में मेरे को ज्यादा नॉलेज था वो कंपनी के बारे में, और उसे वही मेरा टारगेट था कि ये कंपनी लेना ही है मेरे को किसी भी हालत में, और फाइनली उसमें ही मिल गया तुम्हें। जो सीनियर्स ऑलरेडी थे MSC में, जो IIM नोएडा में थे, वहाँ पे काफी हेल्प मिली इसको, मैंने नंबर दे दिए थे, इसने काफी बात बात की और वहाँ से काफी हेल्प मिली। हाँ, हालांकि IIMCT का एग्जाम भी तुमने डिप्रेशन में आकर के थोड़ा बहुत तो गड़बड़ किया लेकिन फिर भी फाइनली काफी सही है। देखो ये पता है, ये जो इंटरव्यू मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ इसके साथ में, क्योंकि ये वो वाला स्टूडेंट है जो हमारे क्लास का पहला स्टूडेंट था, और क्योंकि दूसरे लोगों ने डिमोटिवेट किया था तो ये भागने की कगार पे था कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मेरे से मर्चेंट नेवी नहीं हो पाएगा, मैं इस माहौल में नहीं जी सकता और मुझे इस कोचिंग में नहीं पढ़ना है। तो मैंने इसको बहुत बुरी तरीके से डांटा था शुरू शुरू में, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, मतलब लगभग झगड़ा ही हुआ था। तो मैंने कहा था कि ठीक है, अगर तुझे जाना हो तो जा, मैं तेरी फीस वापस नहीं करूंगा। तो ये बंदा उस टाइम पे ये रुका, और मुझे मालूम होता है कि कई बार क्या होता है कि बच्चों के दिमाग बोलना कुछ और चाहते हैं। मैंने इसको बोला भी था कि तुझे कौन ऐसा बच्चा है जो ये सब वो चीज़ें बोल रहा है, लेकिन ये बता नहीं रहा था तब, हालांकि नाम तो ये अभी भी नहीं बता रहा है, लेकिन हाँ ये है कि ये उस समय डिमोटिवेटेड था काफ़ी ज़्यादा। बट टीचर का काम ही होता है कि अगर आप डिमोटिवेशन में हो तो आपको निकाल करके सही ट्रैक पे लाए। पूरे साल में इसने कई बार डांट खाई होगी, इसने, पुनीत ने, अनमोल ने, देवांग ने, ये लोग बहुत ऐसे बच्चे थे जो। अच्छा तूने इंटरव्यू कितने दिए अभी तक? सर इंटरव्यू तो मैं मतलब हर एक जब इंटरव्यू का सेशन होता था मैं देता ही था इंटरव्यू। मेरे को मतलब MSC से पहले मेरे को आपसे एक ही इंटरव्यू दिया था, उसके पहले मैं तो प्रिपेयर हो गया था मैं अच्छे से। और ये रीटा मैम को कितने इंटरव्यू? रीटा मैम को मैम 10-12 इंटरव्यू दिए। तो ये समझ लो यार कि अगर आपका स्पोकन इंग्लिश उतना अच्छा नहीं भी है और अगर आप ऑफलाइन में हो और इतने इंटरव्यूज आप दे देते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो ये है स्टोरी रितेश की, और इनको MSc मिल चुका है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन रितेश। थैंक यू। और फ्यूचर में भी हम मिलते रहेंगे डेफिनेटली, मैं तुम्हारे कॉलेज में तो आऊँगा ही आऊँगा, मिलते हैं हम लोग, ठीक है। और सर मैं स्पेशल थैंक देना चाहता हूँ कि रीता मैम को, फिजिक्स मैम को हमारे, और प्राची दे और रितेश भैया को, क्योंकि वो लोग बहुत हेल्प किए थे। और भी बंदे थे, वो लोग मैसेज का रिप्लाई नहीं देते थे, लेकिन प्राची दे, रितेश भाई फिजिक्स में बहुत मोटिवेट किए थे उस टाइम जब मेरा IIMCT रैंक भी थोड़ा डिसेंट आया था और MSc मतलब कोई भी कंपनी मिल नहीं रहा था। और रिसेंटली सर मेरे को एंग्लो भी क्लियर हो गया, इंटरव्यू के लिए मेल भी आया 17th of July को। अच्छा। तो देखो यार ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, रीटा मैम फिजिक्स पढ़ाती हैं, जनरली वो इंटरव्यूज भी लेती हैं, श्रद्धा काफ़ी सारे इंटरव्यूज लेती है, तो ये लोगों का काम ही यही होता है कि अगर आप परेशान हो, और देखो ऑफलाइन का ये फायदा भी होता है, अगर आप ऑनलाइन होते तो शायद आपको ये वाली एज कभी नहीं मिल पाती, आप ऑफलाइन रहोगे तो ये वाली एज आपको मिल जाएगी कि टीचर्स आपको टाइम एंड टाइम मोटिवेट करते। और सर मैं एक बार बोलना चाहता हूँ कि श्रद्धा मैम को मैं एक इंटरव्यू दिया था, वो एक इंटरव्यू मेरे को बहुत हेल्प किया था, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन मिला था व्हाई वेस्ट बंगाल इज कॉल्ड वेस्ट बंगाल व्हेन इट इज एन ईस्ट साइड, तो ये क्वेश्चन MSc से मेरे से पूछा था। मैं तो प्रिपेयर था लेकिन इंग्लिश में प्रिपेयर नहीं थे, तो उस वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे मैम को, लेकिन बाद में प्रिपेयर किया और वही पूछे थे। इंटरव्यू देना चाहिए, इंटरव्यू से कॉन्फिडेंस। कोई एक मैसेज जो सभी बच्चों को देना चाहते हो?
कि बाहर जब आप आओ घर से बाहर, तो मैच्योरिटी लेके आओ। नहीं तो मेरे बहुत सारे दोस्त है ऐसे है, मतलब बहुत चील मार के पूरा यार वो ये है, मतलब ऐसे बिताए और लास्ट में लोगों को अच्छा कंपनी नहीं मिले, तो इसीलिए वो तो बाहर आते तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले आओ, क्योंकि घर के पैसा भी अपने लगा रहे हो कोचिंग में, और ऊपर से पीजी का पैसा, तो एट द एंड आपका मतलब ईयर तो आपका 2-3 लाख ऐसे ही वेस्ट होने वाला है, तो ऐसे मेहनत करो पूरे यार आपसे तो पैसा वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कि पैसे को इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो। प्रॉपरली, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करोगे तो आप सही डायरेक्शन में निकल जाओगे, और नहीं करोगे तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा का पूरा वेस्टेज हो जाएगा। तो जान लगा करके मेहनत करो। ओके चलो, ऑल द बेस्ट रितेश। थैंक यू सर।